नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज मैं आपको CPU निकालने का सही तरीका बताने वाला हूं, क्योंकि CPU निकालते वक्त CPU कई बार डैमेज हो जाते हैं और वो ख़राब हो जाते हैं। बहुत सारे टेक्नीशियन भाई जो है वो लोग गलतियां कर देते हैं CPU निकालने में, और मोबाइल जो है वो ऑन नहीं हो पाता, क्योंकि CPU को निकालने का जो तरीका होता है वो थोड़ा उनका अलग होता है, और ऐसे में CPU दोस्तों डैमेज हो जाता है। तो मैं इस वीडियो में आपको CPU निकालने का सही तरीका बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो हम हमारे चैनल के ऊपर हमारे जो टेक्नीशियन भाई होते हैं हम उन्हें कुछ नया सिखाते हैं, उन्हें कुछ नई नॉलेज देते हैं। आजकल दोस्तों YouTube पर काफ़ी ज़्यादा अश्लीलता फैल चुकी है, चंद लाइक के लिए, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए और सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए कुछ लोग होते हैं जो अपने कपड़े उतार देते हैं और अश्लीलता अपनी दिखाते हैं, और उन्हें लगता है कि हम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, हमारे अंदर कुट-कुट के टैलेंट भरा हुआ है। उन्हें ऐसा ही गलत फहमी है और अपना अंग प्रदर्शन करते हैं और सोचते हैं कि हम अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, इन लोगों से बच के रहे, क्योंकि ये हमारा दिमाग ख़राब करते हैं। और हमारी वीडियो देखने से आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपके दिमाग की क्षमता बढ़ेगी। हो सकता है हमारे सिखाने की जो स्किल है वो उतनी अच्छी ना हो और हमारे वीडियो उतने अच्छे ना हो, मगर मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि आगे चल के मैं और भी बेहतर वीडियो आपको दे सकूँ और भी अच्छी नॉलेज दे सकूँ, ये मैं हमेशा कोशिश करते रहूँगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना, मैं आपको बताने वाला हूँ कि CPU हमें किस तरह से निकालना है। तो मेरे पास पोको X3 प्रो मॉडल आया था और वो काफ़ी ज़्यादा छेड़ा हुआ था, वो किसी दूसरे टेक्नीशियन को उसने दिखाया था, और दोस्तों उसका CPU जो था वो पूरी तरह से बेंड हो गया था। मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखाने वाला हूँ इमेज, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये CPU का इमेज है जो मैंने साइड से निकाला है। यहाँ पर आपको बॉल्स देखने को मिलेंगे, ये जो आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे जो बॉल्स है, ये दोस्तों ये बॉल्स है CPU के। उसके बाद दोस्तों ये रैम है ऊपर वाली, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बंदे ने क्या किया है, CPU को यहाँ से उसने बंदे ने यहाँ से उसको उखाड़ा है। हमारा जो CPU ओपनर ब्लेड जो होती है उसने यहाँ से डाला है, कोने से CPU का जो कोना होता है वहाँ से उसने ब्लेड डाला और CPU को ऊपर उठाया। दोस्तों CPU उठाने के लिए ऊपर 300 डिग्री तक के हमें हीट रखना है और मिनिमम 30 सेकंड तक की उसे हीट करके रखना है, हीट करना है, क्योंकि जो CPU ब्लैक पेस्टिंग वाले जो होते हैं उनको उखाड़ने में टाइम लग जाता है, तो ऐसे में उसे काफ़ी देर तक के हीट करना पड़ता है, मिनिमम 30 सेकंड तक के दोस्तों उसे हीट करना है 300 डिग्री के ऊपर। और दोस्तों निकालने का तरीका, दोस्तों यहाँ से निकालना कभी नहीं चाहिए, ये जो CPU के जो कोने होते हैं यहाँ से CPU अगर आप उखाड़ते हैं तो CPU बेंड होने के चांसेस रहते हैं, CPU टेढ़ा हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप जैसे उसको रिवॉल्व करके वापस से लगाओगे तो ऐसे में दोस्तों CPU बराबर बैठेगा नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये CPU रिवॉल्व किया हुआ है, मगर ये यहाँ से बॉल्स अभी भी नहीं पकड़े, मदरबोर्ड को अभी भी सोल्डर नहीं हुए हैं। यहाँ से लेके ये इतनी जगह जो है ये मदरबोर्ड से सोल्डर नहीं है, अभी भी उसके बॉल्स जो है ऊपर है, क्योंकि यहाँ से CPU दोस्तों बेंड हो गया है, एक साइड से एक कोने से निकालने की वजह से CPU यहाँ से टेढ़ा हो गया। अब दोस्तों CPU टेढ़ा हो गया और यहाँ से बॉल्स जो है वो सोल्डर नहीं हुए हैं मदरबोर्ड को। उसके बाद हमने जो रैम लगाया, यहाँ पर बंदे ने जो रैम लगाई और यहाँ पे रैम लग देख सकते हैं, पूरी तरह से CPU और रैम दोनों शॉर्ट हो गए, यानी आपस में पूरी तरह शॉर्ट हो गए। अभी जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे गैप दिख रही है, मगर यहाँ पे कोई भी गैप नहीं है, इसका मतलब ये आपस में भिड़ चुका है, CPU और रैम दोनों आपस में भिड़ चुके हैं, एक दूसरे को टकरा चुके हैं, और इससे होता है कि ये इसके जो बॉल्स है आपस में शॉर्ट हो गए होंगे, अंदर ही अंदर पूरे शॉर्ट हो गए यहाँ से। तो दोस्तों ये हो गया बेंड, अगर इसको हम सीधा भी करने जाएंगे निकालने के बाद तो इसके टूटने के चांसेस जो होते वो बढ़ जाते हैं। तो कभी भी CPU निकालने टाइम इस तरह की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि यहाँ पर अब ये मोबाइल किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि ये CPU हो गया बेंड, अगर इसको हम सीधा भी करते हैं तो ये टूट जाएगा। हालांकि दोस्तों मैंने इसे रिपेयर करके दे दिया है, इसको मैंने निकाला और CPU बड़े ही प्यार से इसको सीधा किया, और उसके बाद मैंने
कस्टमर को दे दिया, चालू तो हो गया है, लेकिन दोस्तों कई बार सीपीयू टूटने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों ऐसी गलती कभी नहीं करना। सीपीयू निकालने का मैं आपको सही तरीका बता रहा हूँ। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये उसी मोबाइल का इमेज है पोको एक्स थ्री प्रो का। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये जो छोटे छोटे कैपेसिटर जो दिख रहे हैं, अब यहाँ पर दोस्तों हमें ज़्यादा जगह नहीं है, ठीक है, आसपास में काफ़ी ज़्यादा पार्ट है लेकिन यहाँ पर पार्ट नहीं है। तो हमें जो कैपेसिटर है ये इनको निकाल के रख देना है थोड़ी देर के लिए, जब तक कि हम सीपीयू निकालते नहीं तब तक ये इसको निकाल के रख देना है। और दोस्तों जो हमारा सीपीयू ओपनर ब्लेड जो होता है हमें यहाँ बीच में से डालना है, ठीक है, ये जो बीच की जगह जो होती है हमें यहाँ डालना है और बड़े ही आराम से और बड़े ही प्यार से इसको उठाना है, ज़बरदस्ती नहीं करनी है और अच्छे से हीट करना है। मिनिमम 30 सेकंड तक की इसको हीट करना पड़ेगा 300 डिग्री के ऊपर, उसके बाद ये धीरे से हल्के से इसे उठाना है। अगर हम ज़बरदस्ती करेंगे तो हमारे जो नीचे के जो बॉल्स होते हैं वो भी टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ये जो कोने होते हैं इन कोनों के ऊपर से दोस्तों कभी भी कोई भी सीपीयू नहीं उठाना। ये जो कोने होते हैं इन कोनों के ऊपर से कोई भी सीपीयू या कोई भी आईसी होती है इनको नहीं उठाना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो वो डैमेज होने के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों आपको मेरी ये बात समझ में शायद आ गई होंगी। अभी कभी भी अगर आप सीपीयू का काम करते हैं तो इस तरह की गलती ना करें। ये देख सकते हैं दोस्तों ये उसी का इमेज है जो मैंने रिपेयर किया था और यहाँ पर भी दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ ये यहाँ से सीपीयू निकालना कभी भी ये कोने के ऊपर से कभी नहीं निकालना। ये जो कोने होते हैं यहाँ से नहीं निकालना, कोई भी कोना हो, किसी भी आईसी का कोना हो, ये कोने में कभी भी ब्लेड नहीं डालना क्योंकि ये टेढ़े हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं। अगर टेढ़े होकर हो गए और बाद में आप उनको रिवॉल्व करके अगर आप उनको सोल्डर करोगे तो उनके प्रॉपर सोल्डर नहीं लगेंगे, किसी जगह से सोल्डर होंगे किसी जगह से नहीं होंगे। तो कभी भी अगर हम इन्हें निकालते हैं तो यहाँ से बीच में से निकालना चाहिए और सीपीयू को भी बीच में से ही निकालना चाहिए। दोस्तों अगर सीपीयू अगर ख़राब है, सीपीयू में अगर कोई दिक्कत अगर है और आप उसे रिवॉल्व करते हैं तो शायद मोबाइल का जो प्रॉब्लम था वो निकल जाएगा। मगर अगर आपका मोबाइल का सीपीयू ही ख़राब है तो आप रिवॉल्व करोगे वो 10-15 दिन चलेगा या हो सकता है 10 मिनट चलेगा और बाद में जो प्रॉब्लम जो थी उसमें सेम प्रॉब्लम फिर से वापस उसमें आ जाएंगी, ऐसा भी उसमें हो सकता है। तो दोस्तों कई बार सीपीयू डैमेज होने की वजह से भी मोबाइल काम नहीं करते, हम उन्हें कितना भी रिवॉल्व क्यों ना कर ले वो ऑन नहीं होगा मोबाइल, उसमें जो भी प्रॉब्लम दिखा रहा है वो प्रॉब्लम नहीं निकलेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम काफ़ी ज़्यादा हीट करते हैं सीपीयू को, रिवॉल्व करते हैं और उसको लगाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है, ऐसे में भी जो इंटरनल जो प्रॉब्लम होता है उसके सीपीयू के अंदर वो प्रॉब्लम भी उसका निकल जाता है, मगर वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए निकल जाता है। मगर सीपीयू का फॉल्ट अगर रहा तो वो आप कितना भी कुछ कर लोगे तो वो रिपेयर नहीं होता। हाँ अगर ऐसा हो सकता है कि सीपीयू के जो नीचे के जो बॉल्स होते हैं वो कुछ टाइम के बाद कमज़ोर हो जाते हैं, सीपीयू के नीचे जो बॉल्स रहते हैं वो कई कई जगह से कुछ कुछ बॉल्स जो होते हैं वो अपनी सोल्डरिंग छोड़ देते हैं। आपने कई बार देखा होगा जब सीपीयू निकालते हैं तो आपको सीपीयू के ऊपर जो पॉइंट रहते हैं बॉल्स के वो ब्लैक ब्लैक दिखते हैं, उसके ऊपर सोल्डरिंग बिल्कुल नहीं दिखाता। और फिर उन सीपीयू के पॉइंट को हमें ब्लेड से हल्का सा घिसना पड़ता है, उसके बाद उसे हमें रिवॉल्व करना पड़ता है। कई बार मोबाइल गिरने से भी आईसीयू के बॉल्स जो होते हैं उनके सोल्डर मदरबोर्ड से छूट जाते हैं। तो ऐसे सीपीयू जो होते हैं उनको अगर रिवॉल्व करके लगाएंगे तो मोबाइल का जो प्रॉब्लम है वो निकल जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक कि जय हिंद जय भारत।